अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबके दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बनाने लगी हूँ भिंडी, सूखी भिंडी। तो यहाँ मैंने भिंडी जो है इस तरह से कटिंग कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। और फिर इसमें जो जो मैं चीज़ें ऐड करूँगी, जिस तरह से मैं बनाऊँगी, मैं आपको दिखाती जाऊँगी। यहाँ मैंने एक गड्ढी भरी थी प्याज कटिंग कर ली है। भिंडी में प्याज थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसके अलावा यहाँ मेरे पास आ जाते हैं स्पाइसेस। यहाँ मेरे पास आ गई पिसी हुई मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और नमक, और ये घर का बनावट मसाला है। सो यहाँ अच्छा थे मेरे पास 2 अदर टमाटर और ये 2 हरी मिर्च मैंने इस तरह से बड़ी वाली कटिंग कर ली। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी अनारदाना जो मैंने अभी भिगो के रखा हुआ है, ये मैं बिल्कुल एंड में डालूँगी। इससे जो है ना टेस्ट भिंडी में बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। हरा धनिया वगैरह जब मैं डालूँगी तो उसके साथ फिर मैं ये भी ऐड करूँगी। अच्छा, अगर आपके पास साबुत लहसुन है तो आप एंड में साबुत लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हरा धनिया, अनारदाना और साबुत लहसुन जो है ना, आप एंड में डालें, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो मेरे पास लहसुन अवेलेबल नहीं है, तो मैं अनारदाना और हरा धनिया वगैरह ऐड करूँगी, तो वो मैं आपको आगे दिखाती जाऊँगी। चलिए, अब मैंने यहाँ अपना जो है ऑयल गर्म करने रखा है। अब मैं आपको आगे रेसिपी जो है दिखाती जाती हूँ। यहाँ मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। जैसे ही मेरा ऑयल यहाँ अच्छे से गर्म हो जाएगा, अच्छे से पक जाएगा, तो मैं फिर इसके अंदर ज़ीरा और प्याज डाल के जो है पहले अच्छे से पका लूँगी। यानी कि हल्की सी सॉफ्ट करनी है मुझे प्याज ना, मुझे पूरी जैसे तलनी नहीं है, जैसे पूरी ब्राउन नहीं करनी। अच्छा, भिंडी बनाने के 2 तरीके मैं तो फिलहाल जैसे पहले बनाती थी, जो मैं तल के बनाती थी, और मैं इस तरह से भी बनाती थी कि जैसे बगैर तली हुई। तो आज मैं बगैर तली हुई बना रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है कि आप पहले फ्राई कर लें, फिर मसाला भून के उसमें भिंडियाँ ऐड कर लें, जैसे आपको जो अच्छा लगे। तो आज मैं जो है डायरेक्ट बनाने लगी हूँ। जैसे मैं प्याज ब्राउन करूँगी, टमाटर वगैरह सब डाल के, फिर मैं भिंडियाँ वगैरह डाल के, वो फिर मैं आपको आगे पूरी दिखाती चली जाऊँगी कि बगैर तली हुई भिंडी भी बन सकती है, और वो किस तरह से बनती है वो मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज जो है ब्राउन करने लग गई, इसमें मैंने ज़ीरा भी ऐड कर दिया। फिर भिंडी में प्याज ज़्यादा हो ना तो भिंडी बड़े मज़े की बनती है। सब अलग अलग तरीक़ों से बनाते हैं। अच्छा, आप भिंडी में कभी जो है ना, सूखी भिंडी में कभी थोड़ी सी इमली डाल के देखें, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अनारदाना डालें, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ देखिए इस तरह से प्याज थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट हो रही है, थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाएगी। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे हरी मिर्च। थोड़ी मैं भी डालूंगी, थोड़ी मैं ऊपर से डालूंगी कट करके। यहाँ मैंने हरी मिर्च भी इसमें ऐड कर दी। प्याज जो है सॉफ्ट हो चुकी है, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटर। या हम ऐड कर रहे हैं टमाटर।
तो मैंने टमाटर ऐड कर दिए, उसके साथ में सारे स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। इसको भी हमने इतना भून लिया कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए, फिर मैं इसमें भिंडियाँ ऐड करके, भिंडियाँ डाल के भी फिर मैं इसको भूनूँगी। अब मैंने भी इसको इतना भुना है कि इसके भी टमाटर अच्छे से थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, फिर मैं भिंडियाँ ऐड करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि टमाटर भी इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी भिंडियाँ। यहाँ मैंने भिंडियाँ ऐड कर दी हैं। भिंडियाँ डालने के बाद भी इसको हमने खूब अच्छे से भून लेना, इतना भुनना है कि जो भिंडियों की लहस है ना ये थोड़ी सी ख़त्म हो जाए। हम भिंडियों को भूनते हैं, इसके साथ फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मैंने भिंडियों को इतना भून लिया कि उसकी जो है लहस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। देखें बिल्कुल मसाले में जो है ना वो भून दो। अब ये है कि ये इसको मैं दम पे छोड़ दूँगी हल्के आँच पर, फिर जब ये हो जाएगी तो फिर मैं आपको सिखाने लोग दिखाऊँगी। बिल्कुल लहस देखें इसका ख़त्म करके इस तरह से मसाले में भी चाहिए सही। अब आपको मैं इसके फाइनल लुक दिखाऊँगी जब ये तैयार हो जाएगी। पहले यहाँ हम जो है भिंडियों को तकरीबन 10 मिनट या 15 मिनट के लिए बस रखेंगे दम पे, क्योंकि भिंडी जल्दी गल जाती है इसलिए। तो जैसे मेरी भिंडी की ये गल जाएगी तो मैं आपको फिर इसके फाइनल लुक दिखाऊंगी कि मेरी भिंडियाँ कैसी बनी है और मैं इसमें ग्राइंड में क्या क्या ऐड करूँगी वो भी दिखाऊँगी। यहाँ आप लोग देख सकते हैं भिंडी की फाइनल लुक। अब इसके अंदर भिंडी बिल्कुल गल चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा, मैंने हरा धनिया कटिंग करा है वो डालूँगी। अच्छा यहाँ मैंने अनारदाना जो है ना इसको मैंने भिगो के रख दिया था। अब इसको हम पहले धो लेते हैं फिर हम उसके बाद डालेंगे, क्योंकि इसको धो के डालना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें कचरा होता है। यहाँ मैंने अनारदाने को अच्छे से धो लिया। अब मैं इसके अंदर अनारदाना भी ऐड कर दूँगी। यहाँ मैंने अनारदाना भी डाल दिए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे जो है ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी। यहाँ हमने उसको कर लिया है मिक्स। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च बचाई थी वो। अब मैं बड़ी हरी मिर्च ऐड यूज़ करती हूँ, तो आप लोग की अपनी मर्ज़ी, आप बड़ी यूज़ करें छोटी यूज़ करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकअल्लाह।